गुड मॉर्निंग क्लास में बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नेम है हमारा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अ कैलेंडर। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका था बट आज हम पढ़ेंगे लेट्स रिमेम्बर, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे लेट्स रिमेम्बर। लेट्स रिमेम्बर में बच्चों जो पॉइंट दे रखा है उसे आप जरूर पढ़िएगा, जरूर लर्न करिएगा, समझिएगा चीजों को। इससे आपके रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स जरूर आएंगे। द इमेजिनरी लाइन्स सर्कलिंग द इक्वेटर इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ द लैटिट्यूड। पूर्व और पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा की परिक्रमा करने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश की रेखाएं कहा जाता है। जो की कह रहे कि पूर्व से पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा जो परिक्रमा करती है, मतलब जो हमारी रेखा जो अक्षांश रेखा है जो वो खींची गई है वो क्या है, वो वृत्ताकार रेखा है, ठीक है। और जो इसे ही क्या कहते हैं, वृत्ताकार कहते हैं, और अर्ध वृत्ताकार जो है वो लॉन्गिट्यूड्स है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड एट अ जीरो डिग्री। तो जो जीरो डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वो क्या है, सबसे लंबी रेखा है। आपको पता है कि जो रेखा है वो 180 है, और इसी जीरो डिग्री जो इक्वेटर को अगर प्लस कर दे तो 180 क्या है, वो अक्षांश रेखा है, 181 रेखा है, अक्षांश रेखा है। फिर सी है द इक्वेटर इज द नाइदर इन द नॉर्थ नॉर इन द साउथ। भूमध्य रेखा ना तो उत्तर में ही है और ना ही दक्षिण में है। फिर डी है द पोल्स आर एट द फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम इक्वेटर एट 90। तो जो 90 पर भूमध्य रेखा ये सबसे क्या है, दूर बिंदु पर है। तो जो 90 जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से है तो जो देखा जाती है तो क्या वो जो इक्वेटर से क्या है, दूर पर है। फिर ई है द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ विच रन वर्टिकली ऑन द ग्लोब इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो इमेजिनरी लाइन है मतलब काल्पनिक रेखा है, किसकी, वर्टिकली जो ग्लोब पर खींची गई है, नॉर्थ साइड डायरेक्शन आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। तो जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल रेखा खींची गई वर्टिकली है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स आपकी रेखा है, वो भी काल्पनिक रेखा है। फिर एफ है देयर आर टोटल ऑफ 36 लॉन्गिट्यूड्स, 180 लॉन्गिट्यूड्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड 180 इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स है, 180 क्या है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, 180 क्या है वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है। तो जो लेटिट्यूड्स है आपका क्या है, कितना, 180 है, और जो लॉन्गिट्यूड्स उसे क्या है, दो गुनी होती है, तो 360 रही है, और दोनों जो है क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या है, 180 है। द लेंथ ऑफ द ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल। तो जो लॉन्गिट्यूड्स का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। फिर क्या है, द प्राइम मेरिडियन इज द जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल हेमिस्फीयर द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो प्राइम मेरिडियन जीरो रेखा है बीच से खींची गई है वो क्या कह रहे हैं कि दो बराबर अर्थ को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। फिर आई है द 180 लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट है। जो 180 लाइन है लॉन्गिट्यूड से इसे क्या कहते हैं, हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। जे क्वेश्चन जे लाइन है द 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट लॉन्गिट्यूड फॉल ऑन द सेम लाइन विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। तो कह रहे कि जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट लॉन्गिट्यूड रेखा है वो क्या क्या है, मतलब सेम लाइन है आते हैं, और विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, से दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। देयर इट इज नॉट लेबल्ड ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में लेबल में नहीं है। द इंटरनेशनल डेट लाइन सेपरेटेड टू कैलेंडर डेज। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो दो कैलेंडर दिनों को अलग करती है। कंट्रीज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर वन डे अहेड ऑफ द कंट्रीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मतलब पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध के देशों के एक दिन आगे होते हैं, मतलब जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या एक दिन वेस्टर्न हेमिस्फीयर से एक दिन आगे होता है। फिर है आई क्वेश्चन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल एंड फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स ऑन द ग्लोब दिस इज कॉल्ड द ग्रिड। तो अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने बनाया था ग्रिड लॉन्गिट्यूड्स को और लैटिट्यूड्स को, तो वो एक जाल की तरह बन गया था, नेट की तरह बन गया था, जाल की तरह, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। फिर एम है दिस ग्रिड हेल्प अस लोकेट प्लेस ऑन अ मैप एंड ग्लोब। यही ग्रिड क्या करता है, जब हमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पता है तो ये ग्रिड की तरह बना, ये हमें क्या करता है, प्लेस को लोकेट करने, अर्थ पर, ग्लोब पर और मैप पे पता करने में आसानी होती है। फिर एम है द टाइम ऑफ अ प्लेस कैलकुलेट बाई इट्स नोन
टाइम इज नोन एज अ लोकल टाइम, क्योंकि किसी भी स्थान की दोपहर के समय का गणना का समय को स्थानीय समय के रूप में जाना जाता है। तो जो टाइम हमने देखा था, हमने टाइम कैलकुलेट किया था, जो प्राइम मेरिडियन जीरो लिखा थी, तो वहां से हमने मान लिया था कि हाँ 12 बजे, और यहाँ से क्या करें टाइम को कैलकुलेट करें तो ईस्ट में क्या होगा प्लस हो जाएगा, और वेस्ट में जाने पर क्या होगा वो टाइम माइनस हो जाता है। फिर है ओ, प्लेसेस एट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट लोकल टाइम्स, क्योंकि अलग अलग देशांतर पर अलग अलग स्थानीय समय होते हैं। पी है द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड दैट पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ अ कंट्री और अ लार्ज रीजन इज अ कॉल द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एंटायर कंट्री और रीजन, क्योंकि देश या किसी बड़े क्षेत्र के केंद्र से गुजरने वाली देशांतर तो की स्थानीय समय को पूरे देश या क्षेत्र के लिए मानक समय कहा जाता है। फिर क्यू क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिकोनाइज द लोकल टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम क्या है 82.5 डिग्री है, तो भारत ने जो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय के रूप में मान्यता दी है, तो यही जो है 82.5 डिग्री क्या भारत का जो है स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। आर ए ग्रीन विच मीन टाइम GMT जो है इज अ टाइम एट द प्राइम मेरिडियन विच यूज एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, तो ग्रीन विच जो टाइम है प्राइम मेरिडियन का समय है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के रूप में उपयोग किया गया, तो जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है यही ग्रीन विच GMT कहलाया, और यहीं से क्या होता है टाइम का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के रूप में उपयोग किया गया। तो बच्चों ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया था, बट जो ये लेट्स रिमेंबर था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे आप जरूर पढ़िएगा समझिएगा। ठीक है, तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं समझ में आता तो जरूर पूछिए, इस चैप्टर का वो मेन मेन पॉइंट है जो जरूरी है, और आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।